हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से अपने एक नए वीडियो पे। दोस्तों जैसा कि आपने ऊपर टाइटल और थंबनेल पे देखा, यहाँ पर आपने बिल्कुल ही सही देखा और सही पढ़ा। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, जो यहाँ पर जियो ने 2023 में नया 4G कीपैड फोन यहाँ पर जियो ने लॉन्च किया है, जिसका नाम यहाँ पर रखा है जियो ने जियो भारत 4G डिजिटल लाइफ। और जियो भारत 4G डिजिटल लाइफ जो यहाँ पर कीपैड फोन लॉन्च किया गया है जियो की ओर से, 4G कीपैड फोन, वो यहाँ पर दो वैरायटी के अंदर यहाँ पर लॉन्च किया गया है। पहला जो यहाँ पर वैरायटी निकल कर आता है वो यहाँ पर निकल कर आता है जियो भारत K1 कार्बन, और दूसरा यहाँ पर निकल कर आता है जियो भारत V2। ये दो यहाँ पर वैरायटी के साथ ये फोन आपको देखने को मिलेगा, और दो अलग अलग कलर में आपको ये देखने को मिलेगा। पहला यहाँ पर ब्लू और दूसरा ब्लैक, दो कलर में ये लॉन्च किया गया है। और ये यहाँ पर जो लॉन्च किया गया है सबसे सस्ता 4G कीपैड फोन यहाँ पर लॉन्च किया गया है 2023 में, और इसका प्राइस जो यहाँ पर रखा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रखा है 999 रुपया। इसके बारे में जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो मैं जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूँ वो यहाँ पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर जो है ग्राहक ले लेते हैं ये फोन को 999 रुपया लगाकर, तो वो यहाँ पर कौन सा रिचार्ज को करवाएंगे, क्या उनको जो है सिम कार्ड को यहाँ पर चेंज करना होगा, या वो अपना पुराना सिम को भी यहाँ पर यूज कर पाएंगे, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा जो यहाँ पर जियो का सबसे सस्ता सिम चालू रखने वाला यहाँ पर प्लान जो यहाँ पर जियो की ओर से लॉन्च किया गया है इस फोन के साथ, और यहाँ पर सिम चालू रखने के अलावा यहाँ पर आपको जो है सबसे सस्ता यहाँ पर आपको कॉलिंग और डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से प्लान यहाँ पर जियो ने लॉन्च किया है इस फोन के साथ, वो जानने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं ये कि यहाँ पर जो ये जो है आपका डाउट कि यहाँ पर आपको जो है नया सिम लेना होगा इसके साथ ये फोन के साथ, या यहाँ पर आपको जो है पुराना सिम यहाँ पर काम करेगा, तो दोस्तों ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो पहले जियो का फोन आता था उसमें यहाँ पर आपको जो है सिम लगा हुआ आता था, यानी कि आपको जो है 4G सिम अगर यहाँ पर लेना होता था तो यहाँ पर आपको जो है सिम कार्ड यहाँ पर फोन के साथ मिल जाता था बिल्कुल ही फ्री में। लेकिन यहाँ पर जियो की ओर से ये अभी यहाँ पर क्लियर किया गया है इस फोन के साथ कि यहाँ पर अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से जियो का सिम कार्ड है तो आपको जियो का कोई सिम कार्ड लेने का जरूरत नहीं है, आप वो पुराना सिम कार्ड को इस फोन में लगा के यहाँ पर यूज कर पाओगे, और यहाँ पर अगर आपको नया सिम कार्ड लेना है तो आप ले सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर जान लेते हैं कि जियो का जो ये सबसे सस्ता 4G कीपैड फोन जियो ने लॉन्च किया है वो यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन सा प्लान आप रिचार्ज करवा सकते हो, कौन कौन सा सबसे सस्ता प्लान यहाँ पर जियो ने लॉन्च किया है इसके साथ। तो दोस्तों यहाँ पर जो जियो ने लॉन्च किया है इसके साथ दो नए प्लान को यहाँ पर लॉन्च किया है जो सबसे सस्ता होने वाला है और कंपनी से, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे आपको जो है और कंपनी से ये सस्ता होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको वो दो प्लान के बारे में बता देता हूं। पहला जो यहां पर आपको प्लान निकल कर आता है दोस्तों वो यहां पर निकल कर आता है आपका 123 रुपया का, दूसरा यहां पर प्लान निकल कर आता है यहां पर 1234 रुपया का, यानी कि पहला प्लान है 1, 2, 3 और दूसरा प्लान है यहां पर 1, 2, 3, 4। दो प्लान आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो यहां पर सबसे सस्ता यहां पर प्लान आपका है, यहां पर सबसे सस्ता 4G कीपैड फोन के लिए ये प्लान यहां पर जियो ने लॉन्च किया है। दोनों प्लान में क्या कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो चलिए आइए जान लेते हैं। दोनों प्लान में आपको जो है अनलिमिटेड कॉल मिलेगा लोकल यहाँ पर और एसटीडी, यहाँ पर आप बिल्कुल ही फ्री में अनलिमिटेड बात कर पाओगे किसी भी नेटवर्क में। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है डेटा दिया जा रहा है दोनों ही प्लान में, यहाँ पर आपको दिया जाएगा 0.5 GB पर डे डेटा, यानी कि यहाँ पर आपको जो है 0.5 GB यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिलेगा दोनों ही प्लान में। दोनों ही प्लान का जो यहाँ पर आपको जो बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पर 0.5 GB डेटा, वो पहला जो यहाँ पर प्लान है 1, 2, 3 ये प्लान में आपको टोटल डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा 14 GB यहाँ पर टोटल डेटा दिया जाएगा इसके साथ, और इसका जो वैलिडिटी यहाँ पर रखा गया है जियो की ओर से वो यहाँ पर रखा गया है 28 दिनों के लिए। दूसरा जो यहाँ पर मैंने आपको प्लान बताया 1, 2, 3, 4 ये जो यहाँ पर प्लान बताया 1234 का, उसमें आपको दिया जाएगा यहाँ पर आपको डेटा तो सेम मिलेगा 0.5 GB पर डे, लेकिन यहाँ पर आपको टोटल डेटा देखने को मिलेगा 168 GB, यानी कि 168 GB यहाँ पर आपको जो है दिया जाएगा, 168 GB टोटल डेटा यहाँ पर आपको मिलेगा इस प्लान में। यहाँ पर आपको जो वैलिडिटी दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है 365 दिनों के लिए, यानी कि एक साल तक के लिए, एक साल तक का आप अपना जो है सिम कार्ड को यहाँ पर चालू रख पाओगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो दो प्लान बताया वो अदर कंपनी के मुकाबले यहाँ पर 25 से 30% सस्ता होने वाला है, तो वो कैसे, तो चलिए आइए जान लेते हैं। पहला जो यहाँ पर प्लान है 123 का, अदर कंपनी का बात करें तो यही सेम बेनिफिट मिलता है, डेटा यहाँ पर आपको 2 GB सिर्फ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो रिचार्ज करवाना होता है वो यहाँ पर आपको रिचार्ज करवाना होता है 179 का, 179 का रिचार्ज करवाना होता है। इसमें यहाँ पर आपको अनलिमिटेड कॉल मिलता है,
यहाँ पर डेटा यहाँ पर आपको 2 GB ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर सेम बेनिफिट आपको जो है जियो के अंदर बहुत ही सस्ते रेट में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये अगर आप रिचार्ज करवाते हो तो अदर कंपनी के मुकाबले ये जो है 30% तक सस्ता होने वाला है प्लान। और यहाँ पर दूसरा जो प्लान है वो यहाँ पर है 1234 रुपये का। अदर कंपनी का बात करें तो सेम बेनिफिट मिलता है, यहाँ पर डेटा सिर्फ 24 GB मिलता है, जहां पर जियो दे रहा है 168 GB, यहाँ पर आपको सेम बेनिफिट के साथ ये आता है। और इसका प्लान जो है अदर कंपनी में पड़ता है 1799 रुपये का। ये प्लान आपको रिचार्ज करवाना होता है अगर आप ये बेनिफिट लेना चाहते हो। तो ये प्लान जियो के अंदर अदर कंपनी के मुकाबले यहाँ पर जो है 25% सस्ता आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको ये फोन कैसा लगा जो यहाँ पर 2023 में जियो ने लॉन्च किया है, और ये दो प्लान में कौन सा प्लान आपको ज्यादा बेहतर लगा, कौन सा प्लान आप करवाना चाहोगे, वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो तो फिर मिलता है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।